हेलो फ्रेंड्स, मैं हर सोशल स्वागत करता हूँ आज की इस नई वीडियो में। आज हम रिव्यू करने वाले हैं मारुति सुजुकी की तरफ से आने वाली एंट्री लेवल कार मारुति अल्टो के बारे में। स्क्रीन पर आप जो वेरिएंट देख रहे हैं ये इस कार का यहाँ पे सेकंड टॉप वेरिएंट है। मैंने अल्टो के एलेक्साई वेरिएंट की भी वीडियो ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ अपने चैनल पे। अगर आपको वीडियो देखनी है तो ऊपर आई बटन पे, नहीं तो आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस कार के बारे में। तो इस कार की एक्सशोरूम कीमत रखी गई यहाँ पे 4,12,000 रुपीज़। लेकिन उसके पहले स्पेशल थैंक्स टू रुकमणी मोटर्स जिन्होंने मुझे कार प्रोवाइड करी। अगर आपको मारुति की अल्टो देखनी है, स्विफ्ट देखनी है, वैगनार देखनी है या मारुति की कोई सी कार देखनी है, शोरूम की सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कॉल करिए, अपने अपॉइंट बुक कीजिए, गाड़ी पसंद आते लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की नई वीडियो। सबसे पहले चेकआउट कर लेते हैं अल्टो की कीज़ के बारे में। तो ऐसी कुछ कीज़ मिलती है जहाँ पे एक यहाँ पे रिमोट लॉकिंग की मिलती है और एक यहाँ बेसिक की मिलती है। कीज़ के अंदर यहाँ आपको लॉक अनलॉक करने का बटन मिल जाता है, कोई फ्लिप की नहीं आई है। एक की के अंदर यहाँ पे आपको लॉक एंड अनलॉक करने का बटन मिल जाएगा, बाकी दूसरी की आपको प्लेन की मिलती है। बाकी दोनों की इसी कंप्लीट फिटेड इंजन इमोबिलाइजर के साथ में आती है। अब चेकआउट कर लेते हैं अल्टो के हेडलाइट्स के बारे में। तो ऐसी कुछ हेडलाइट्स मिलती है, हैलोजन हेडलाइट्स, इनका थोड़ा यहाँ पे येलो कलर रखा गया है। लेफ्ट तरफ यहाँ पे इंडिकेटर मिल जाता है और आसपास क्रोम और ब्लैक कलर की सराउंडिंग दी गई है। सेंटर में यहाँ पे सुजुकी का लोगो मिल जाता है ग्रिल के अंदर में, और ग्रिल का यहाँ पे कलर यहाँ पे ब्लैक मैट फिनिश के अंदर मिलती है ग्रिल, कोई भी ग्लॉसी फिनिश ग्रिल नहीं है। दूसरी तरफ के हेडलाइट आप कार के चेकआउट कर सकते हैं। नीचे चलते नीचे यहाँ वेरिएंट में कोई भी आपको फॉग लैंप नहीं मिलता है। पूरा अल्टो को नया में आपको कहीं भी आपको फॉग लैंप नहीं मिलता है। और आप चाहते हैं तो आप एक्सटर्नल खरीद के लगा सकते हैं कार के अंदर फॉग लैंप एज एक्सेसरी के पार्ट में। लोअर डाउन एरिया में यहाँ पर फ्रंट हनीक्रोम ग्रिल्स मिल जाती है। ऊपर की तरफ चलते हैं तो ऊपर की तरफ यहाँ पर सिंगल वाइपर स्प्रे नोजल मिलता है जिसमें से 3 स्प्रेज निकलते हैं। साइड इंडिकेटर कार के फेंडर्स पे प्लेस किए गए हैं। उसके नीचे चलते हैं तो कार के अंदर में 12 इंचेस के C8 के स्टील व्हील्स मिल जाते हैं जिनके ऊपर में यहाँ पे व्हील कैप प्लेस किए गए हैं। इनका टायर साइज यहाँ पर है 145/80, R12 टायर साइज मिलता है इनके अंदर। उसी के ऊपर चलते हैं और बात करते हैं कार के ORVMs के बारे में। तो यहाँ पर आपको नॉन बॉडी कलर ब्लैक कलर के अंदर ORVM मिलते हैं। ये मैट ब्लैक कलर के अंदर ORVM आते हैं और ये मैनुअली एडजस्टेबल ORVM है। कार के A पिलर्स, B पिलर और C पिलर सारों ही यहाँ पे पिलर जितने दिए गए हैं, ये सारे पिलर यहाँ बॉडी कलर पिलर है, कोई भी यहाँ मैट ब्लैक या ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में नहीं आते हैं। नीचे की तरफ बॉडी कलर हैंडल्स मिल जाते हैं। उसी के नीचे आपको कंपनी फिटेड साइड बॉडी क्लैडिंग मिल जाती है जो आपको एलेक्साई वेरिएंट के अंदर में एज एक्सेसरी परचेज करनी पड़ती थी। अब चेकआउट कर लेते हैं कार का यहाँ पे रियर साइड। तो रियर साइड में यहाँ पे कोई भी आपको वाइपर्स या डिफॉगर्स नहीं मिलते हैं इस जगह पर। ऊपर की तरफ हाई अमाउंट स्टॉप लैंप मिल जाता है। बाकी कार की रूफ आप चेकआउट कर सकते हैं, बेसिक रूफ मिलती है। चेकआउट कर लीजिए कार की बैकलाइट। बैकलाइट यहाँ पे नॉर्मल बल्ब ओरिएंटेड बैकलाइट्स मिलती है, सुंदर से दिखती बहुत। पीछे की तरफ आपको 2 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, कार को रिवर्स करने में हेल्प करेंगे आपकी। अब चेकआउट कर लेते हैं इस कार का फ्यूल टैंक। तो कार के अंदर आपको 35 लीटर का काफ़ी अच्छा बड़ा फ्यूल टैंक मिल जाता है। कार का बूट आप आगे पीछे दोनों से खोल सकते हैं, अपन फिलहाल पीछे से खोल लेते हैं कार का बूट। सो ऐसा कुछ कार का बूट होता है। ऊपर पार्सल ट्रे मिल जाती है आपको, जिसको आपको मैनुअली फोल्ड करना पड़ेगा, अपने आप ऊपर नहीं जाएंगे। ये 177 लीटर का बूट स्पेस मिलती है और ये चेकआउट कीजिए। ये देखिए इस कार का लोडिंग लिप बिल्कुल नाक के बराबर है। मैंने यहाँ पे एक चाबी रखी, उससे देख सकते हैं आप, चाबी से भी ज़्यादा छोटा लोडिंग लिप मिलता है। ऐसे काम सामान आप इसलिए कार के अंदर रख के बाहर निकाल सकते हैं। स्पेयर व्हील इस कार का नीचे प्लेस किया गया है, यहाँ से आप स्पेयर व्हील को एक्सेस कर सकते हैं। स्पेयर व्हील आपको सेम साइज़ का मिलता है, सेम 12 इंचेस का। टायर साइज 145/80 टायर साइज़ का मिलता है ये। ड्राइवर डोर को चेकआउट कर सकते हैं आप। बेसिक से ड्राइवर डोर मिलता है, आप सिल्वर कलर आपको नॉम मिल जाता है डोर्स को खोलने बंद करने के। मैप पॉकेट और स्पीकर्स मिल जाते हैं नीचे, और यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको ORVM एडजस्ट करने के जॉयस्टिक मिल जाती है, मैनुअली करना होगा आपको। लॉक एंड अनलॉक स्विच मिल जाता है। सीट चेकआउट कर लेते हैं ड्राइवर साइड की। तो कोई भी हार्ड एडजस्टेबल सीट नहीं मिलती, मैनुअल सीट्स मिलती है और बेसिक सीट्स है बिल्कुल ये। सो इस वक्त मैं कार के अंदर आ चुका हूँ। सर्कुलर स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है कार का। एक एयरबैग यहाँ प्लेस किया है, इस कार का 2 एयरबैग आते हैं इस वेरिएंट के अंदर। सुजुकी का लोगो हो गया, सिल्वर कलर फिनिश हो गई आसपास। ये चेकआउट कीजिए, मैंने सीट पूरी गाड़ी के पीछे की हुई है इस वक्त, लेकिन मेरे पैर देखिए स्टेयरिंग व्हील में फंस गया जाके मेरे पैर। मेरी हाइट 5'10" तो उनके लिए सफिशियंट नहीं है ये गाड़ी, क्योंकि इस कार के अंदर कोई भी हार्ड एडजस्टेबल सीट नहीं आती, ना ही हार्ड एडजस्टेबल स्टेयरिंग व्हील आता है। तो आपके पैर जरूर इस कार के अंदर फंस जाएंगे आप 5'10" से अगर ऊपर होंगे हाइट में। तो बाकी आपको यहाँ लाइट स्क्रीन कंट्रोल्स मिल जाते हैं, लाइट ऑन कंट्रोल कंट्रोल्स यहाँ मिल जाएंगे आपको। लाइट को ऑन ऑफ एक्सेस कर सकते हैं आप, और लेफ्ट की तरफ आपको वाइपर कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यहाँ से कार के वाइपर एक्सेस कर सकते हैं। इस तरफ सर्कुलर एसी वेंट्स मिल जाते हैं, सिल्वर कलर के फिनिश में एसी वेंट का पेंट दिया गया है, काइंड छोटा सा आर्मरेस्ट मिल जाता है इस तरफ। यहाँ आपको स्विच मिल जाते हैं पावर विंडो के लिए, 2 पावर विंडो मिल जाते हैं कार के अंदर आपको। ऐसा कुछ गियर नॉब मिल जाता है, बेसिक सा गियर नॉब, रबराइज फिनिश के साथ में आते हैं ये, कोई भी क्रोम फिनिश नहीं मिलती इसके अंदर। ये 5 स्पीड का गियर बॉक्स है ये। बाकी नीचे की तरफ थोड़ी और स्पेस मिल जाती है फोन रखने के लिए, और इसी के नीचे आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं छोटे छोटे से, साथ में 12 वोल्ट का पावर आउटलेट मिल जाता है उसी जगह पे आपको।
आप वहाँ पर अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं उस जगह पर। साथ ही में ये देखिए यहाँ पर छोटा सा आपको हुकंडल मिल जाता है, लाइक सब्जी टांगने वगैरह के लिए छोटा सा हुकंडल मिल जाता है आपको इस जगह पर। क्यूट सा ग्लव बॉक्स मिल जाता है, काफ़ी स्पेशियस कार के हिसाब से देखा जाए तो। एयरबैग की बैंडिंग की गई उस जगह पर, दो एसी वन से यहाँ मिल जाते हैं, बीच में आपको हजार का ऑप्शन मिल जाता है, छोटा सा स्पेस मिल जाता है थोड़ा सा और आपको। ऐसा कि जो आपका म्यूजिक सिस्टम मिलता है, जिनकी नीड सिर्फ गाने सुनने के लिए, उनके लिए म्यूजिक सिस्टम सफिशियंट है। बाकी आसपास थोड़ा बहुत आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं, लाइक ऑडियो कंट्रोल करने के लिए या वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए। इस जगह से आप वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। किसी ने इस कार का वॉल्यूम बिल्कुल फुल रख दिया तो कम करना पड़ रहा है मुझे। बाकी आप ऐसे सेट कर सकते हैं, रेडियो वगैरह गाना चेंज कर सकते हैं ऊपर की तरफ से। साथ में इसका एक फीचर मिल जाता है, इसके अंदर आप कॉल पे क्या कट कर सकते हैं इजिली। सेंटर में ऐसे ही कुछ कार का यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल पैनल मिलता है, जहाँ पे कोई भी आरपीएम मीटर नहीं आता, सिर्फ स्पीड का बताएगा आपको। छोटा सा नीचे एमआईडी मिल जाती है, जहाँ आपको फ्यूल और ट्रिप मीटर बता सकता है। ये देखिए यहाँ से आप ट्रिप मीटर चेंज कर सकते हैं, ट्रिप पे ट्रिप भी कर सकते हैं। जगह से इस तरफ चलते हैं तो ऊपर में आपको यहाँ पे लाइट्स मिल जाती है, यहाँ पे हेलोजन लाइट्स मिलती है, थोड़ा येलो कलर का है। बाकी ये नॉर्मल आई में मिलता है, कोई भी डेनट आई में नहीं है, ये चेकआउट कर सकते हैं आप। ऊपर की तरफ ऐसे कुछ सनवाइजर मिल जाते हैं, बेसिक सनवाइजर है, जिनके दोनों तरफ में आपको चाहे इधर या चाहे उधर इस तरफ में दोनों तरफ आपको मिरर्स नहीं मिलते हैं। लेगरूम चेकआउट कर सकते हैं, लेगरूम बिल्कुल ना के बराबर मिल रहा है, मैंने आगे सीट में रेफर यूज़ की है। साथ में सकते हैं अंदर सपोर्ट भी बिल्कुल ना के बराबर है। साथ ही में पीछे की तरफ आपको यहाँ से मैनुअली विंडोज़ को अप डाउन कर सकते हैं, या आपको डोर खोलने के लिए हो गया। हेडरूम चेकआउट कर लीजिए, काफ़ी अच्छा हेडरूम मिल जा रहा है, 4 से 5 इंच के बराबर हेडरूम मिलता है पीछे। इस जगह से आप कार का फ्रंट हुड खोल सकते हैं। अब चेकआउट कर लेते हैं कार के अंदर आने वाले इंजन ऑप्शन के बारे में। तो कार के अंदर यहाँ पे सिंगल इंजन ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आपको 798 cc का पेट्रोल इंजन मिल जाएगा, जो 47 bhp की पावर निकालता है, और वहीं पे 69 को टॉर्क निकालता है। इस कार की कंप्लीट क्लेम माइलेज 22 km/h की। बाकी ऊपर देख सकते कोई भी इंसुलेशन पैडिंग नहीं मिलती, क्योंकि इंजन बहुत ज़्यादा रिफाइंड है और ऑलरेडी बहुत ज़्यादा छोटा इंजन है, तो ये क्या ही नॉइज़ करेगा। इसलिए आपको भी यहाँ पर इंसुलेशन पैडिंग नहीं मिलती ऊपर की तरफ। सो दोस्तों, यहीं तक की थी ये मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पे कार बाइक के नॉलेजफुल और रिव्यू वाले वीडियो आते रहते हैं। मैंने आप सभी के लिए यहाँ पे टारगेट सेट किया है कि इस मंथ के एंड तक हमारे 900 सब्सक्राइबर हो जाने चाहिए, तो प्लीज़ मेरे उस टारगेट को पूरा करने में हेल्प कीजिए। अगर आपको डाउट बच जा रहा है, कमेंट सेक्शन आपके लिए ऊपर है, कमेंट में जाकर मेरे साथ डाउट पूछ सकते हैं। साथ ही में अगर आप अपनी कार या बाइक के लिए कोई अच्छे से ढूंढ रहे हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। भारत माता की जय।